हेलो फ्रेंड्स, मैं हिरल स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारे जो मिसो से फैब्रिक मंगवाए थे उन सारे फैब्रिक के मैंने ड्रेसेस बना लिए हैं। तो काफ़ी टाइम लग गया लेकिन फ्रेंड्स फाइनली आज रेडी हो गए हैं। सो मैं सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम पहले मैंने मिसो से 4 डिफरेंट फैब्रिक मंगवाए थे, तो उनका फुल मैंने रिव्यू उस वीडियो में दे दिया था। अगर आपको उस वीडियो का लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। तो आज उन सारे फैब्रिक में से मैंने किस तरीके का डिज़ाइन बनाया हुआ है वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। साथ साथ में फ्रेंड्स हम उसका ट्राई ऑन भी देखते जाएंगे कि वो पहना हुआ भी कैसा लगता है। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो जॉर्जेट फैब्रिक था उसी का मैं आपको डिज़ाइन बता देती हूँ मैंने उसमें से क्या स्टिच किया हुआ है। तो जॉर्जेट फैब्रिक था वो था फ्रेंड्स हमारा येलो कलर में। तो उसमें से मैंने बनाया है इस तरीके से स्टाइलिश आलिया कट कुर्ती। फ्रेंड्स फुल आप देख रहे हैं आलिया कट स्टाइल में मैंने इसको फुल स्टिच किया हुआ है। तो काफ़ी फ्रेंड्स ये फैब्रिक था वो 3 मीटर था फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो फ्रेंड्स आप मेरा उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें सब बताने जाऊँगी तो ये वीडियो भी लंबा बन जाएगा इसीलिए। तो ये 3 मीटर फैब्रिक था, तो उसमें से मैंने इस तरीके के आलिया स्टाइल कुर्ती बनाई हुई है वी योक पैटर्न में। तो काफ़ी प्यारा है, जो स्लीव है वो भी हमारी फुल स्लीव बन गई है। तो ये 3 मीटर में से हमारा काफ़ी फ्लेरी है ड्रेस, काफ़ी सारे इसमें गैदर्स भी आई हुई है, क्योंकि फ्रेंड्स इसका अर्ज था वो ज़्यादा लंबा था इसीलिए। तो पहना हुआ भी काफ़ी स्टाइलिश लगता है। तो और फ्रेंड्स आपको बता दूँ तो इसके जो लाइनिंग का फैब्रिक था वो मैंने कॉटन का, जो हम रेगुलर लाइनिंग यूज़ करते वही इसमें मैंने यूज़ किया हुआ है। और इसका एंड है फ्रेंड्स वो भी मैंने इस तरीके से पूरा जो बेल्ट बना के हम पलटते उसी तरीके से मैंने इसको रेडी किया हुआ है। आप देख सकते इस तरीके से इसमें मैंने पेपर पेस्टिंग का यूज़ नहीं किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ जे ये हमारा जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसी से ही मैंने इसको फिनिशिंग दी हुई है। तो क्या है कि फ्रेंड्स इस तरीके के ड्रेसेस मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप चाहे तो सिंपली फोल्ड करके भी बना सकते हैं, मुझे इस तरीके से अच्छा लगा तो ये तो मैंने इस तरीके से बनाए हैं। और फ्रेंड्स मैं इसको आपको हाईली रिकमेंड करूँगी क्योंकि इसका फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा है और बनने के बाद भी इतना ही स्टाइलिश लगता है। फ्रेंड्स फेस्टिव वेडिंग सीजन में एक मस्ट हैव है, तो आप डेफिनेटली इसको परचेस करके आप स्टिच कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी फ्रेंड्स आपके साथ बता दूँ तो इसके लिए मैंने दुपट्टा और जो बॉटम यानी कि पैंट बनाया है उसके लिए मैंने अलग से फैब्रिक लिया हुआ था। तो वो फैब्रिक मैंने पैंट के लिए 2 मीटर लिया था और जो दुपट्टा है उसके लिए मैंने 2 मीटर ही लिया था। तो आप ज़्यादातर लोगों को 2 मीटर के जो दुपट्टे हैं वो शॉर्ट लगते हैं। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स इसमें क्या है कि मैंने इस तरीके से फैब्रिक में लेंथ बढ़ाई है दुपट्टे की, तो काफ़ी स्टाइलिश हमारा एक रफल दुपट्टा भी रेडी हो जाता है और लेंथ भी बढ़ जाती है। तो मैंने किस तरीके से इसकी लेंथ बढ़ाई हुई है तो फ्रेंड्स मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है तो वो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, क्योंकि साइड से विड्थ में ज़्यादा फैब्रिक होता है वो मैं कट कर लेती हूँ और एंड में लगा देती हूँ। तो क्या है कि फ्रेंड्स दुपट्टा भी हमारा स्टाइलिश लगता है, देन उसके बाद फ्रेंड्स लेंथ भी दुपट्टे की बढ़ जाती है इसीलिए। तो इसके दुपट्टा और बॉटम के लिए मैंने अलग से फैब्रिक लिया हुआ था। तो इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट पीस था वो ये था। तो काफ़ी प्यारा है फ्रेंड्स, फिर से बता रही हूँ आप डेफिनेटली हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें 2 कलर थे शायद, लेकिन आप जो भी कलर अच्छे लगता है ये कलर भी काफ़ी प्यारा है। तो आप डेफिनेटली इसको परचेस करना और कुछ भी बनाना इस तरीके से ड्रेस बनाना, क्योंकि काफ़ी ट्रेंड में है। अगर आपको नहीं कुछ और बनाना है तो भी आप डेफिनेटली आप इसको परचेस कर सकते हैं। देन उसके बाद फ्रेंड्स था हमारा कॉटन का फैब्रिक, तो वो भी आपको दिखा दूँ कि उसमें से मैंने किस तरीके का ड्रेस डिज़ाइन किया। तो कॉटन का फैब्रिक था वो ये था फ्रेंड्स। तो ये भी 2.5 मीटर था फैब्रिक, पूरा फैब्रिक। तो इसमें से मैंने कुछ इस तरीके का कुर्ती डिज़ाइन किया है। सारे जो मैंने 4 फैब्रिक मंगवाए थे उन किसी में से भी कलर नहीं जा रहा है, क्योंकि मैंने फर्स्ट जो इसका रिव्यू किया था उसमें आपको बताना भूल गई थी, लेकिन मैंने शॉर्ट वीडियो भी शेयर कर दिया था कि इसमें से कलर नहीं जा रहे हैं। तो आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं, ये कॉटन का फैब्रिक है, डार्क है, इसके कलर भी डार्क है लेकिन इसमें से भी थोड़ा सा भी कलर नहीं गया हुआ है, तो आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं।
तो ये था हमारा कॉटन का फैब्रिक। तो इसमें से मैंने कुछ इस तरीके का ड्रेस डिज़ाइन किया हुआ है ए लाइन पैटर्न में, और ये पेच लगवाया है वो फ्रेंड्स मेरे पास बचा हुआ फैब्रिक था उसी से मैंने इसको डिज़ाइन कर दिया है। देन यहाँ पे मैंने प्लीट्स ली हुई है, आप देख सकते हैं ये प्लीटेड है यहाँ से आपको दिख रहा हो तो, क्योंकि आप उल्टी साइड देखेंगे तो यहाँ सारी ली हुई है, प्लीट्स ली हुई है, तो यहाँ से इसका फ्लेयर भी बढ़ जाता है और यहाँ पे काफ़ी प्यारा हमारा लुक आ जाता है। जैसे हम बॉक्स प्लीट बाहर की साइड दिखाते हैं वो मैंने अंदर की साइड ली हुई है, तो यानी कि उल्टी साइड बॉक्स प्लीट ली हुई है तो ये बाहर की साइड कुछ इस तरीके से इसका लुक आता है। और उसी की स्लीव देखो तो फ्रेंड्स मैंने उसी की तरह जैसे यहाँ पे भी प्लीट्स ली है उसी तरीके से मैंने यहाँ पे स्लीव में भी प्लीट्स ली हुई है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से। और फ्रेंड्स इन सब का कटिंग स्टिचिंग का वीडियो मैंने शेयर नहीं किया हुआ है, तो इन सब के मैंने शॉर्ट वीडियो शेयर किया हुआ है कि किस तरीके से मैंने थोड़ा बहुत आपको स्टिचिंग दिखाया हुआ है। तो फ्रेंड्स आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं शेयर करती हूँ और यूट्यूब शॉर्ट्स में भी शेयर करती हूँ, तो आप वो भी मेरा ज़रूर देख सकते हैं वीडियो, तो आपको उसमें से भी आइडिया आ सकते हैं। मैंने इसके डिटेल्स में कुछ कटिंग स्टिचिंग के वीडियो शेयर नहीं किया है। देन उसके बाद अभी जो आपके साथ शेयर किया येलो कलर का आलिया स्टाइल में, तो उस तरीके का वीडियो मैंने कटिंग स्टिचिंग का शेयर किया हुआ है, जो लहरिया साड़ी का मैंने रियूज़ किया था, तो उसी का कटिंग स्टिचिंग सेम ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है, तो आप वो आलिया स्टाइल वाला आप देख सकते हैं, तो आपको इस ड्रेस का भी आइडिया आ जाएगा। देन फ्रेंड्स डायमीटर में से काफ़ी प्यारा हमारा एक स्टाइलिश ड्रेस बन गया, आप इसको एज अ कुर्ती और एज अ ड्रेस की तरह भी पेयर कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी प्यारा मेरा ड्रेस डिज़ाइन बन गया। इसके जो बैक है बैक में भी सेम मैंने प्लीट्स ली हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरीके से मैंने प्लीट्स सेम जैसे फ्रंट में ली उसी तरीके से मैंने बैक में भी प्लीट्स ली हुई है। तो आप फ्रेंड्स एक और बात बता दूं कि यहाँ पे फ्रेंड्स जो मैंने प्रिंटेड में ये पूरा स्टिचिंग का पैटर्न बनाया है वो प्लेन में होता तो वो ज़्यादा निखर के आता, यानी कि जो एक एक प्लीट से वो मैंने प्रिंटेड फैब्रिक में नज़र नहीं आ रही है। अगर आप इसी तरीके का पैटर्न आप प्लेन फैब्रिक में बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगा, तो फ्रेंड्स आप उसका ध्यान रख लेना। अगर आपको ऐसा लग रहा है मुझे प्लीटेड हाईलाइट नहीं करनी है तो आप प्रिंटेड फैब्रिक में बना लेना, अगर आपको लग रहा है कि मुझे हाईलाइट करनी है तो आप प्लेन फैब्रिक में बना लेना, तो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना, तो मुझे ये भी काफ़ी प्यारा लगा। नेक्स्ट फैब्रिक है वो हमारा रेयन का फैब्रिक है, जो वो भी डायमीटर ही था, तो डायमीटर में से मैंने काफ़ी स्टाइलिश कुर्ती डिज़ाइन की हुई है, वो इसको मैंने थोड़ा सा नायरा कट कुर्ती में ही डिज़ाइन किया हुआ है। देन नेक डिज़ाइन थोड़ी अपने अकॉर्डिंग चेंज की हुई है, सिंपली वी नेक रखा है और यहाँ पे गैदर्स ले लिया, ये अपर पार्ट है और नीचे मैंने इस तरीके से छोटे छोटे प्लीट्स ले ली है, ये नायरा कट में, और साइड से भी मैंने इसको कट ही दिया हुआ है, कट में ही इसको रखा हुआ है नायरा कट स्टाइल में। लेकिन इसका जो मेन पॉइंट है वो इसका बैक के बैक डिज़ाइन को मैंने काफ़ी स्टाइलिश बनाया है कुछ इस तरीके से, तो पहना हुआ भी काफ़ी फ्रेंड्स स्टाइलिश लुक देता है। तो इस तरीके से सिंपल ही है फ्रेंड्स और कुछ नहीं है, सिर्फ इसके जो लेस लगाई है इसी से उसका हाईलाइट हो रहा है पूरा हमारा ड्रेस है, तो लेस है वो अभी फ्रेंड्स फेस्टिव सीजन है तो उस अकॉर्डिंग ही मैंने लगाई हुई है। तो ये सिंपल ही हमारा रेयन फैब्रिक में से भी एक काफ़ी फेस्टिव अकॉर्डिंग कुर्ती रेडी हो गई, और फ्रेंड्स ज़्यादातर लोगों को रेयन फैब्रिक पहनने में कंफर्टेबल लगता है, तो मैंने इस अकॉर्डिंग ही इसको डिज़ाइन किया हुआ है। लगते तो ये ढाई मीटर में से पूरा हमारा इस तरीके से ये नायरा स्टाइल में कुर्ती डिज़ाइन हो गई, तो ये फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स, आप ज़रूर से इसको लेके बना सकते डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारा थर्ड पीस। देन उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो फोर्थ फैब्रिक था और क्रेप फैब्रिक था जो कुल 5 मीटर आया हुआ था, तो अब देख लेते हैं कि मैंने पूरे 5 मीटर फैब्रिक में से क्या बनाया है। तो ये फ्रेंड्स काफ़ी प्यारा प्यारा पीस बना है, तो ये मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा, तो अभी फ्रेंड्स दिखा देती हूँ बाद में इसकी तारीफ करती हूँ। तो इसमें से मैंने इस तरीके से एक स्टाइलिश कॉर्ड सेट डिज़ाइन किया हुआ है, लेकिन मैंने कॉलर पैटर्न में बनाया है, तो शर्ट कॉलर पैटर्न दिया है, यहाँ से ये ओपनेबल है फ्रेंड्स, फ्रंट ओपन है, आप चाहे तो इसको एज अ कुर्ती एज अ शर्ट दोनों की तरह इसको पेयर कर सकते हैं। और स्लीव मैंने इसकी 4th ही रखी हुई है, वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। देन इसका जो मेन बेस है फ्रेंड्स वो था इसका जो कुर्ती का डिज़ाइन है फ्रेंड्स, वो मैंने 1 पीस अम्ब्रेला में कट किया हुआ है, यानी कि जो हम अम्ब्रेला गेयर कैसे बनाते हैं
उसी तरीके से मैंने इसको कट किया हुआ है अम्ब्रेला में, जैसे हम कोन शेप में पूरा फैब्रिक रखते हैं उसी तरीके से मैंने ऊपर से पूरा हमारा जो कुर्ती का शेप होता है ए लाइन कुर्ती का, उसी तरीके से इसको बना दिया। मैंने भी इसका फर्स्ट टाइम बनाया हुआ है लेकिन काफ़ी प्यारा बन गया है फ्रेंड्स, एकदम स्टाइलिश कोट से थे। हमें कितने ज़्यादा महंगे आते हैं फ्रेंड्स, तो आप डेफिनेटली इस तरीके से कुछ भी फैब्रिक, मैं नहीं कह रही हूँ यही फैब्रिक लेके आप बनाइए, लेकिन ये पीस काफ़ी प्यारा मेरा बन गया, तो आप कुछ और फैब्रिक लेके भी ज़रूर इसको बनाइएगा, काफ़ी प्यारा बना है और इस फैब्रिक में भी काफ़ी प्यारा बना है, तो आप डेफिनेटली ये क्रेप फैब्रिक भी ले सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स क्रेप फैब्रिक इतना महंगा भी नहीं आता है, तो आप इजीली इसको परचेस कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से मैंने इसको पूरा बनाया हुआ है। तो देन इसके बाद इसकी पैंट थी वो आप देख रहे हैं, इसके साथ भी मैंने इसको पूरा कोट सेट बनाया है। तो 5 मीटर में से मेरा प्यारा फ्लेरी कुर्ती भी बन गई, यानी कि कोट सेट के ऊपर कुर्ती और ये पैंट भी बन गया, तो काफ़ी प्यारा है। तो आप पहना हुआ भी देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, तो मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगी। तो आप किसी भी ये फैब्रिक भी परचेस करें या ना करें, लेकिन इस तरीके का कोट सेट आप ज़रूर बनाइएगा। और ये हमारा फ्रंट और ये है हमारा बैक, सिंपल ही बैक में तो कुछ नहीं है, ये फ्रंट ही है फ्रेंड्स। और आप देख सकते हैं, मैंने आपको दिखा दूँ यहाँ से, ये कुछ इस तरीके का ये फ्लेरी ड्रेस जैसे हम बोलते हैं इस तरीके का बना हुआ है, और फ्रंट से मैंने इसको हाई लो पैटर्न है उस तरीके का इसको डिज़ाइन किया हुआ है, तो काफ़ी प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स। काफ़ी टाइम बता दिया लेकिन इतना अच्छा बन गया है तो मेरे मुँह से तारीफ निकल ही जा रही है इसीलिए। तो ये था हमारा 4 फैब्रिक और काफ़ी प्यारा बना, एक और बार भी बता देती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये था हमारे 4 फैब्रिक जो मैंने मीशो से मंगवाए थे, तो मैंने कुछ इस तरीके से इन 4 फैब्रिक में से ड्रेस डिज़ाइन किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये 4 फैब्रिक के जो मैंने डिज़ाइन आपके साथ शेयर किए वो भी अच्छे लगे हों। और इन 4 में से आप कौन सा फैब्रिक में से डिज़ाइन बनाना चाहेंगे या स्टिचिंग पैटर्न है आपको जो अच्छा लगा तो वो आप बनाना चाहेंगे वो भी मुझे कमेंट करना, और इन 4 में से मेरे ऊपर कौन सा अच्छा लग रहा था उसका भी अब एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी कर देना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी प्रेस कर देना। मिलती हूँ फ्रेंड्स ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।